हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन मशीनरीज के बारे में जानेंगे, जैसे कि पोकलैन हो गया, जेसीबी हो गया, मिलर हो गया। ये सब का हम लोग माइलेज जानेंगे, इंजन का जो पावर होता है वो कितना होता है, बकेट कैपेसिटी और डीजल टैंक कैपेसिटी। तो दोस्तों वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों टाटा हिटाची की ये जो एक्सेवेटर है, जिसका मॉडल नंबर एक्सेवेटर 210LC सुपर प्लस है दोस्तों। इसका जो बकेट जो कैपेसिटी है वो 1.5 क्यूबिक मीटर है दोस्तों। और इसका जो इंजन है वो 131 HP का इसका इंजन है दोस्तों। और इसका जो डीजल टैंक का कैपेसिटी है वो 310 लीटर है। और इसका जो माइलेज है दोस्तों, माइलेज तो वैसे डिपेंड करता है बहुत सारे चीज़ों पे, तो इसका माइलेज 12 से 14 के बीच में जनरली रहता है दोस्तों। तो दोस्तों दूसरे में हम लोग जानेंगे एक टाटा हिटाची की ही सबसे छोटी एक्सेवेटर दोस्तों, TMX 20 NEO सुपर प्लस दोस्तों। तो इस मशीन के बारे में हम लोग जानेंगे, तो इसका जो बकेट कैपेसिटी होता है ये 0.12 क्यूबिक मीटर होता है दोस्तों। इसका जो इंजन का जो पावर है 27.4 HP है। और इसका जो डीजल टैंक का जो कैपेसिटी है वो 37 लीटर है। और इसका जो माइलेज है दोस्तों वो वर्कलोड पर डिपेंड करता है, तो जनरली इसका जो माइलेज है वो 3 से 3.5 लीटर पर आवर के बीच में होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों तीसरे मशीन के बारे में जानते हैं। ये जो आप देख पा रहे दोस्तों, इस मशीन का नाम ट्रांजिट मिक्सर है दोस्तों। इसका जनरली यूज़ होता है कंक्रीट, रेडीमिक्स कंक्रीट को ये लोड करता है, और जहाँ पे एक साइट जहाँ पे कास्टिंग होगा वहाँ पे जाके अनलोड करता है। तो इसमें मेनली दोस्तों दो इंजन होता है, एक मेन इंजन जो चेसिस का है वो टाटा मोटर्स का है, और दूसरा पुट्स माइजर का है दोस्तों। तो दोनों का हम लोग का जो इंजन का कैपेसिटी है दोनों का अलग अलग है। इसका माइलेज दोनों का अलग आता है, लेकिन इसका जो डीजल टैंक है वो एक ही होता है। तो इसका जो माइलेज निकलता है ओवरऑल एक ही कंजप्शन में आता है। तो इसका जो मेन इंजन का जो आपका इंजन हॉर्स पावर है दोस्तों, वो 177 HP का है 6 सिलेंडर इंजन के साथ है दोस्तों। और जो हंडी का जो इंजन का जो पावर है वो 70 HP का है, जो कि 4 सिलेंडर है उसमें। और इसका जो हंडी का जो कैपेसिटी है, कंक्रीट का कैपेसिटी, वो 6 क्यूबिक मीटर है दोस्तों। और ये इस मशीन में दोनों इंजन को चलाने के लिए एक ही डीजल टैंक है, जिसका कैपेसिटी 260 लीटर है। और माइलेज की बोले तो इसमें जो माइलेज आता है दोनों को ओवरऑल मिला के 2 से 2.5 लीटर पर आवर के बीच में आता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट मशीन के बारे में जानते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये दोस्तों बैकहो लोडर है, जो कि टाटा हिटाची का है, जिसका मॉडल नंबर सिनराई BX80 है दोस्तों। तो इस मशीन का जो इंजन का हॉर्स पावर है वो 80 HP का है। इसका लोडर का जो कैपेसिटी है वो 1.1 क्यूबिक मीटर का है। इसका बैकहो का कैपेसिटी 0.26 क्यूबिक मीटर का है। और इसका जो डीजल टैंक का कैपेसिटी है वो 128 लीटर का है दोस्तों। और माइलेज की बात करें तो माइलेज तो ऑलवेज डिपेंड करता है कितना RPM में चला रहा है, किस तरीके का काम हो रहा है, वर्कलोड पे डिपेंड करता है। तो इसका जो माइलेज जनरली आता है वो 3 से 4.5 के बीच में रहता है दोस्तों। 3 लीटर पर आवर से 4.5 लीटर पर आवर के बीच में ही रहेगा दोस्तों। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर कोई भी क्वेरी हो आपके मन में तो हमें जरूर